खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज आपको भारत और चीन के बीच हुई सुपर मीटिंग की इनसाइड स्टोरी बताएंगे। SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के साथ भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई है। इसके बाद सामने आई दो तस्वीरों और मौजूदा कूटनीतिक हालात को ध्यान में रखते हुए एस जयशंकर और वांग यी की बातचीत को हम डिकोड करेंगे। अफगानिस्तान में जो बदलाव हुए हैं उनकी वजह से इस समय भारत और चीन के लिए LAC विवाद सुलझाने के साथ साथ तालिबान के आक्रामक रवैये को कंट्रोल करना भी जरूरी है। अफगानिस्तान में तालिबान की चढ़ाई की वजह से 7 देशों का ब्लड प्रेशर हाई है। पड़ोस के इन हालात का विश्लेषण जरूरी है। इसके बाद आपको जम्मू कश्मीर में LOC पर लेकर चलेंगे और वहां से आज तक की एक्सक्लूसिव बॉर्डर रिपोर्ट दिखाएंगे। LOC की इस रिपोर्ट में गोलीबारी और शोर शराबा नहीं है, बल्कि इसमें शांति ही शांति है। ये रिपोर्ट सीज फायर के 5 महीने बाद LOC के हालात की सबसे शांतिपूर्ण रिपोर्ट है। लोग पहली बार LOC से सटे इलाके में रहने के बावजूद इतना सुकून महसूस कर रहे हैं। ऐसे में आप कह सकते हैं कि ये बॉर्डर रिपोर्ट जरा हटके। हमारे देश में पहले मानसून का इंतजार होता है और मानसून के आने के बाद तबाही का वार्षिक विश्लेषण करना पड़ता है। इस समय के हालात को अगर फिल्मी अंदाज में कहा जाए तो देश को मानसून ने चारों तरफ से घेर लिया। मानसून की तबाही का सालाना एल्बम और सिस्टम का भूस्खलन पूरा देश देख रहा है। थोड़ी देर में मानसून का ट्रैक रिकॉर्ड दिखिएगा। और आपको शुरू में ही एक्स्ट्रा खबरदार कर देते हैं, कोरोना संकट और बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। उनके महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है, यानी महंगाई भत्ते में 11% की बंपर बढ़ोतरी हुई। इस फैसले से 50 लाख कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनधारियों को फायदा होगा। यह फैसला 1 जुलाई 2021 से लागू माना जाएगा और सरकार इस पर करीब 34,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और एक अच्छी खबर यह है कि इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में अपने विकास इंजन का 240 सेकंड का सफल टेस्ट किया है। यह इंजन GSLV Mark III के पैमानों पर खरा है और गगनयान मिशन में काम आएगा। इस इंजन का नाम भारत के खगोल वैज्ञानिक विक्रम अंबालाल साराभाई के नाम के शुरुआती अक्षरों को मिलाकर विकास रखा गया। महीनों बाद भारत और चीन के विदेश मंत्री आमने सामने हुए। महीनों बाद दोनों की बातचीत हुई। तजाकिस्तान के दुशांबे में विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मिले हैं। करीब 1 घंटे तक दोनों की बातचीत हुई और बातचीत का फोकस LAC पर टकराव रहा। एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से साफ बात की है, LAC के स्टेटस को में एक तरफा बदलाव भारत को मंजूर नहीं है। बॉर्डर पर हालात बेहतर होने चाहिए, ये रिश्ते सुधारने के लिए बहुत जरूरी है। दोनों देश सैन्य स्तर की बातचीत जल्द शुरू करने पर राजी हुए हैं। 11 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अप्रैल से अब तक कोई बातचीत नहीं हुई। अब विदेश मंत्रियों की मुलाकात से एक रास्ता खुला है, क्योंकि इस वक्त हर तरफ चुनौतियां हैं। अफगानिस्तान में हालात बिगड़ गए हैं, ये इस पूरे इलाके की चिंता होनी चाहिए। ऐसे बिगड़े हालात में बॉर्डर पर टकराव ठीक नहीं है, टकराव से कुछ हासिल भी नहीं होगा, ये चीन ने 1 साल में देख लिया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, चीन के विदेश मंत्री वांग यी और तजाकिस्तान में SCO का मंच। करीब 10 महीने बाद भारत और चीन के विदेश मंत्री एक जगह पर हैं, फेस टू फेस हैं। ये बड़ा चांस है, क्योंकि दो सबसे बड़ी चुनौतियां सामने हैं, दो सबसे बड़े मुद्दे सामने हैं। LAC पर टकराव के मुद्दे को लेकर साल भर से ज्यादा हो गया, पक्का समाधान नहीं निकल रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने से हालात बिगड़ गए, तालिबान ने मारकाट मचा दी। तालिबान तेजी से अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में ले रहा है, 85% इलाका उसके कब्जे में आ गया है। आसपास के देशों में इसी से खलबली मच गई। इसी पर शंघाई सहयोग संगठन की बैठक का फोकस था। भारत ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत ने सीधी बात कही, अफगानिस्तान में हिंसा रुकनी चाहिए, नागरिकों पर आतंकी हमले रुकने चाहिए, सभी समुदायों का हित देखना चाहिए, पड़ोसी देशों पर खतरा ना हो इसे देखना चाहिए, इन चुनौतियों पर गंभीरता से काम करना होगा। हिंसा से सत्ता पर कब्जा करने को दुनिया नहीं मानेगी, अमन के लिए ईमानदारी से बातचीत हो। बातचीत में ईमानदारी ना हो तो बात नहीं बनती और बिगड़ जाती। ये सिर्फ तालिबान पर नहीं, ये चीन पर भी लागू होता है।
बॉर्डर के टकराव पर चीन ने अब तक यही किया है। 11 बार चीन से सैन्य बातचीत हो चुकी है, 12वीं बातचीत की तैयारी है, लेकिन बातचीत बहुत सफल नहीं रही। बॉर्डर पर लगातार तनाव। कुछ दिन पहले WMCC के 8वें राउंड में तय किया गया कि हिंदुस्तान और चीन के कोर कमांडर्स की मीटिंग 12वीं मीटिंग तुरंत होगी। इस मीटिंग में भी मुझे नहीं लगता कि बड़े पैमाने पर कुछ हल निकलेगा, क्योंकि चीन जो है साफ तौर पर दर्शा रहा है कि धमचौक से या दीपसांग प्लेन से पीछे नहीं हटेगा, और अगर बातचीत होगी तो केवल और केवल हॉट स्प्रिंग और गोगरा हाइट्स की होगी। हॉट स्प्रिंग और गोगरा हाइट्स डिस्प्यूटेड एरियाज थे ही नहीं, वो पहली बार डिस्प्यूटेड एरियाज बने हैं, लेकिन चीन साफ तौर पर कह रहा है कि जहां तक धमचौक का तल्लुक है और दीपसांग का है, ये लीगेसी इश्यूज हैं, 2013 से चल रही है, और इसके ऊपर वो अभी बातचीत के लिए तैयार नहीं है। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि पूर्वी लद्दाख में चीन ने फिर घुसपैठ की कोशिश की है, लेकिन भारतीय सेना ने तुरंत ऐसे दावों को गलत बताया। सेना ने यह कहा कि पूर्वी लद्दाख में ना तो कोई घुसपैठ हुई है, ना ही कोई झड़प। जिन हिस्सों पर विवाद है उन पर भारत चीन की बातचीत चल रही है, चीन की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है, इसमें किसी तरह की ढील नहीं है। चीन की हरकतों पर सेना की पूरी नजर है, क्योंकि चीन ने बार बार भरोसा तोड़ा है, बातचीत में तय बातों को अब तक नहीं माना है। पिछले साल सितंबर में SCO के मंच पर ही मॉस्को में भारत चीन के विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई थी, जिसमें LAC के विवाद का समाधान निकालने के लिए 5-पॉइंट रोड मैप बना था। इसी में तय हुआ था कि मतभेदों को विवाद नहीं बनने दिया जाएगा, LAC पर तेजी से डिसएंगेजमेंट होगा, सैनिकों के बीच उचित दूरी रखी जाएगी और तनाव कम किया जाएगा। फरवरी में भारत और चीन ने पेंगोंग लेक एरिया में डिसएंगेजमेंट कंप्लीट भी कर लिया था, लेकिन टकराव के दूसरे इलाकों में अब तक डिसएंगेजमेंट अधूरा है। डेपसांग और गोगरा और हॉट स्प्रिंग से अभी भी तनाव बढ़ा हुआ है, और वहां से चीनी जो सोल्जर हैं वो वापस नहीं गए हैं, और यथास्थिति अप्रैल 2020 की नहीं हुई है, तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है। भारत और चीन इसके ऊपर बातचीत करना चाहेंगे, और जो हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, वो वन ही इसको बताएंगे कि भाई बहुत जरूरी है कि आप यथास्थिति मेंटेन करें, जो कि अप्रैल 2020 में थी, और डेपसांग और हॉट स्प्रिंग और गोगरा से भी आप पीछे जाएं। इसका रास्ता बातचीत से ही निकल सकता है, क्योंकि चीन ने भारत का संयम भी देख लिया, संकल्प भी देख लिया और साहस भी। जितने सैनिक और हथियार चीन ने लगाए हैं, उतने ही सैनिक और हथियार भारत ने भी लगा दिए हैं। चीनी बॉर्डर पर 50,000 एक्स्ट्रा सैनिक लगाए गए हैं, एक्स्ट्रा स्ट्राइक कोर तैनात है, वायुसेना की ताकत बढ़ गई है, MiG-Sukhoi के साथ राफेल विमान रेडी है, राफेल का दूसरा स्क्वाड्रन भी जुलाई से एक्टिव हो गया। सीमा पर रहने के लिए 11 महीनों से ही सेना के इंजीनियर्स ने उन सुविधाओं को बना लिया है जिसकी प्लानिंग अगले 5 साल में की जानी थी। बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर 1 साल में तेजी से बढ़ा है, फॉरवर्ड जगहों पर कनेक्टिविटी हो गई है, सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। बॉर्डर के ऊपर तनाव बढ़ता जा रहा है, चीन हर दिन नए मिसाइल सिस्टम्स, नए एयर डिफेंस सिस्टम्स S-400 और नए हवाई अड्डे बना रहा है, ऐसे में हम चीन को ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो बड़ा लाजमी है कि इस डायलॉग के बीच में और डिस्कशन के बीच में दोनों विदेश मंत्री हिंदुस्तान साफ तौर पर चीन के रवैये को जांचना चाहेगा। यानी बॉर्डर पर अगर चीन ने खुद को ताकतवर बनाया है, तो भारत ने भी ताकत लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत हर तरीके से खुद को तैयार कर चुका है, इसीलिए टकराव के रास्ते पर चलकर कुछ हासिल नहीं होने वाला। चीन को ये बात समझनी होगी, और भारत ने उसे अच्छे से समझा भी दिया है। गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। तो कम से कम चीन और भारत के बीच से ये गतिरोध चल भी रहा है, तो बातचीत का रास्ता कभी नहीं बंद हुआ है। हालांकि एक तरफ होती है सैन्य बातचीत, दूसरी तरफ होती है कूटनीति, और यहां पर कूटनीति के जरिए ही समाधान निकलना है। हमारे साथ हमारी सहयोगी गीता मोहन इस समय जुड़ रही है। गीता, जिस तरीके से इस पूरी बैठक के बाद LAC पर चर्चा हुई, उसे दोनों देशों की तरफ से यह बात सामने रखी गई, लेकिन ज्यादा बड़ा मुद्दा एक अफगानिस्तान का, जहां पर चीन का हस्तक्षेप तो दिखता है, लेकिन क्या उसकी संजीदगी दिखती है? भले ही अफगानिस्तान ने अचानक, अब तालिबान ने जो अपना चेहरा बदलने की कोशिश की है और ये कहने के प्रयास कर रहा है वो कि भाई हम आपके उइगर मुस्लिमों का जो वो है उसके लिए हम यहां पर नहीं उन्हें सेटल करने देंगे, क्या चाइना इन बातों से बेवकूफ बन रहा है, या उसे समझ में आ रहा है कि अफगानिस्तान और वहां की तालिबान समस्या भारत और चीन की साझा चुनौती है?
बिल्कुल भी नहीं श्वेता, बिल्कुल उल्टा है। कहीं ना कहीं अगर आप देखें, चीन को एक लेवरेज नज़र आ रहा है पाकिस्तान के साथ, तालिबान के साथ जुड़कर अफगानिस्तान में काम करने में। भारत के लिए क्या सही है, क्या गलत, कितना स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, वो चाइना के लिए मायने नहीं रखते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जयशंकर अब दुशानबे में हैं, ताशकंद जाएंगे, फोकस अफगानिस्तान ही रहेगा। जाहिर सी बात है कि जब वांग ही से मिले तो अफगानिस्तान ज़रूर एक मुद्दा है जो उठकर आया होगा, जो जिस पर बातचीत हुई होगी। इसके अलावा इंडियन स्टूडेंट्स जो चीन में जाना चाहते हैं उस पर भी बातचीत होनी थी, उस पर डिटेल्स अभी तक नहीं आए हैं। लेकिन ये पूरी जो कूटनीतिक बातचीत हुई है श्वेता, फोकस इसका मिलिट्री डिसंगेजमेंट ही रहा है, चाहे वो मिलिट्री सोल्यूशन हो ना हो, लेकिन कूटनीति में भी मिलिट्री डिसंगेजमेंट की ही बात हुई है। एलएसी में भारत ने चीन को साफ तौर पे कह दिया है कि कोई भी फॉरवर्ड मूवमेंट भारत और चीन के बीच अगर हो सकता है, वो तभी हो सकता है जब पैंगोंग एरियाज के अलावा बाकी सारे एरियाज में चीन डिसंगेजमेंट शुरू कर दे। क्योंकि इसके पैरेलल ही डेमचौक को लेकर भी एक तस्वीर सामने आ रही थी, हालांकि भारतीय सेना की तरफ से स्पष्टीकरण भी दिया गया है इस बात को लेकर, जो कुछ खबरें निकल आई थी। तो डेमचौक तो 2013 से वहां पर गतिरोध बना हुआ है, तो आज की स्थिति में चीन क्या ओपन भी है इन चीजों के समाधान के लिए, या फिर केवल बातचीत एक परंपरा है जो निभाई जा रही है? अभी तो परंपरा ही लग रहा है, क्योंकि अगर आप इस बातचीत की भी अगर बात करें श्वेता, तो कोई आउटकम निकल कर नहीं आया, कोई नतीजा नहीं था इस पूरे बातचीत में कि चीन ने कोई कमिटमेंट किया हो कि डिसंगेजमेंट शुरू कर देगा। अगर आप प्रेस रिलीज देखें, लास्ट सेंटेंस यही था कि दोनों मंत्री फिर से मिलेंगे और ऐसे मेलजोल बढ़ते रहेंगे और होने चाहिए, लेकिन मेलजोल से काम नहीं चल रहा है, क्योंकि पैंगोंग से डिसंगेजमेंट बहुत पहले हो गया था। और अब जो एरियाज़ हैं जहाँ पर डिसंगेजमेंट की ज़रूरत है, वहाँ पर अगर आप देखें, चीन ने बहुत ही कड़ा रुख अपना लिया है और ऐसा लग नहीं रहा कि वो अभी हाल फिलहाल में कहीं पीछे हटने वाला है। बहुत शुक्रिया गीता मोहन इस पूरी बातचीत के लिए। दरअसल चीन भी गलतियां वही कर रहा है जो एक समय में अमेरिका करता था, यानी कि जब तक आतंक का असर हम पर नहीं पड़ रहा है तब तक हम बेपरवाह रह सकते हैं। चीन ने पाकिस्तान के साथ ये करने की कोशिश की है, नुकसान उसे कुछ कुछ चुकाना भी उसका पड़ता है, लेकिन अब अफगानिस्तान में वो तालिबान के जरिए किस तरीके से जुड़ना चाहता है और फायदा उठाना चाहता है। देखिए, जब से अमेरिका ने अफगानिस्तान से बोरिया बिस्तर समेटा, तब से अफगानिस्तान बर्बादी के बम पर बैठ गया। अमेरिका के हटते ही अफगानिस्तान में खून खराबा, मारकाट बड़े पैमाने पर शुरू हो गया। तालिबान का कब्जा बढ़ता जा रहा है, क्रूरता बढ़ती जा रही है, आसपास के सभी देशों और मध्य एशिया तक बड़ा खतरा बन गया है। अफगानी सेना तालिबान से लड़ रही है और बड़ी हिम्मत से लड़ रही है, लेकिन तालिबान के साथ पाकिस्तान है, वो तालिबान के लिए लड़ाके एक्सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं, अफगानिस्तान यही कह रहा है कि तालिबान तो पाकिस्तानी सेना का पपेट है। पहले 22 अफगान कमांडो से सरेंडर करवाया, फिर इन निहत्थों को सड़क में लाइन से खड़ा किया और कुछ ही सेकंड में इन सभी को गोली मार दी। सड़क पर लाशें बिछ गई। ये तालिबान की क्रूरता का ट्रेलर है। अगर तालिबान फिर से आए तो यही पूरे अफगानिस्तान में होने का डर है, क्योंकि अफगानिस्तान के 85% इलाके में तालिबान ने कब्जा कर लिया है। हजारों परिवारों को उनके घरों से भगा दिया है, घरों पर कब्जा किया जा रहा है, स्कूलों को चलाया जा रहा है। तालिबान के कब्जे वाले इलाके में तालिबानी कानून से सजा दी जा रही है। तालिबान के टारगेट पर काबुल है, वो ज्यादा दूर नहीं है। अभी कंधार पर कब्जे के लिए मारकाट चल रही है, गजनी में भी भीषण लड़ाई चल रही है, पूरे अफगानिस्तान में खून बह रहा है। हालात बिगड़ने से सबको डर है, तालिबान का राज आ जाने पर सबको चिंता है, फिर चाहे वो कोई भी हो। चीन को चिंता है कि उसके शिनजियांग प्रांत के विगर अलगाववादी लड़ाकों को अफगानिस्तान में पनाह और मदद न मिलने लगे। रूस की चिंता है कि अफगानिस्तान में कट्टरता और खून खराबा बढ़ा तो पूरे मध्य एशिया को खतरा होगा और मॉस्को तक इसका असर पड़ेगा। रूस और चीन की तरह कजाकिस्तान और किर्गिस्तान को भी अफगानिस्तान में इस्लामिक कट्टरता और खून खराबा बढ़ने से चिंता है। उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे देशों की अफगानिस्तान से लंबी सीमा लगती है, हिंसा बढ़ने पर इन सीमाओं पर शरणार्थी संकट बढ़ेगा। ये सब देश शंघाई सहयोग संगठन से जुड़े हैं और इसी की बैठक में अफगानिस्तान पर फोकस करके चर्चा की गई और अपनी अपनी चिंताओं को बताया गया।
भारत की चिंता ये है कि अफगानिस्तान के विकास में उसने $3 अरब से ज्यादा का निवेश किया है, अफगानिस्तान से गहरे संबंधों पर निवेश किया जो अब दांव पर लगा है। तालिबान के आने से हालात बदल जाएंगे, आतंकी संगठन मजबूत होंगे, क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरा होगा और पाकिस्तान को एक बढ़त मिल जाएगी। अफगानिस्तान की बढ़ती वायलेंस से सारी दुनिया चिंतित है, खास करके हिंदुस्तान, रशिया, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, सऊदी अरेबिया और ईरान। हिंदुस्तान ने बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ इन्वेस्टमेंट की भी, $3 बिलियन से ज्यादा है और हिंदुस्तान नहीं चाहता कि किसी प्रकार से ये इन्वेस्टमेंट जाया हो। पाकिस्तान की और चीन की जबरदस्त कोशिश है कि हिंदुस्तान को वहां से हटाया जाए और हिंदुस्तान के लिए फ्यूचर रोल ना हो, क्योंकि पाकिस्तान कितना भी इनकार करता रहे दुनिया जानती है कि तालिबान को पाकिस्तान सपोर्ट करता है। तालिबान की पूरी लीडरशिप पाकिस्तान में वर्षों से पल रही है। अफगानिस्तान यही कहता है कि तालिबान के नाम पर पाकिस्तान उससे लड़ रहा है। तालिबान के लिए लड़ने के लिए पाकिस्तान अपने लड़ाके एक्सपोर्ट कर रहा है। जैश मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के आतंकी तालिबान के साथ मिलकर अफगान सुरक्षा बलों से लड़ रहे हैं। खुद पाकिस्तान के एक पश्तून सांसद ने इस नेक्सस की पोल खोली है। हम जब यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ से लोग जा रहे हैं, यहाँ से लोग दहशतगर्द वहां पर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, फिर वहां से फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि ये अमरुल्ला साले की जबान बोल रहे हैं। बाबा अमरुल्ला साले जो इल्जाम लगा रहे हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको साबित करने के लिए उसको किसी सबूत की जरूरत नहीं है। आपका अपना वजीर खारजा उस पर मोहर तस्दीक साबित करता है। आपके अपने सदर पाकिस्तान ने कल ही जो ट्वीट की है, उस ट्वीट में सदर पाकिस्तान कहते हैं कि पाकिस्तान की उबरती मईशत को दो खतरात लाहक हैं। एक अफगानिस्तान में बदअमनी, जिस पर हमें उम्मीद है कि तालिबान और उनके हकूमतों को अमन आश्ती नसीब होगी। ये इट्स जस्ट लाइक इन्वेडिंग। ये आप एक अपने एक पड़ोसी मुल्क पे हमले की के, 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 के तरफ एक कदम है। ये इस तरह है जिस तरह आप एक पड़ोसी मुल्क पे हमलावर हो रहे हो और वहां पर जो दहशतगर्द कुवतें उनके हुकूमत के साथ, उनके स्टेट के साथ लड़ रहे हो, आप उनको यहां से सपोर्ट कर रहे हो। तालिबान को सपोर्ट पाकिस्तान ये जानकर भी करता है कि खुद उसके लिए भी अफगानिस्तान के बिगड़े हालात भारी पड़ जाएंगे। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की लंबी सीमा है और जिस तरह से खून खराबा हो रहा है उसमें शरणार्थियों का संकट आएगा। पाकिस्तान भी खून खराबे से बच नहीं सकता, वो भी आतंक की चपेट में फिर से आएगा। इसके बावजूद अगर पाकिस्तान तालिबान का समर्थन कर रहा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि तालिबान का राज जाने से उसका जो दबदबा अफगानिस्तान में चला गया था वो अब तालिबान के आने से वापस आ जाएगा। आज तक दुश्मनी जम कर करो लेकिन इतनी गुंजाइश रहे कि जब जरूरत पड़े तो व्यापार कर सके। आज के दौर में ग्लोबल कूटनीति का एक फंडा ये भी है। भारत और चीन के बीच एलएसी पर भले ही तनाव रहा हो लेकिन इसी दौरान बिजनेस पर जरा भी आंच नहीं आई, बल्कि भारत और चीन के बीच व्यापार फल फूल रहा है। इस साल के पहले 6 महीनों में $5,748 करोड़ का व्यापार हुआ जो सालाना आधार पर 62.7% अधिक है। भारत ने चीन को जो निर्यात किया वो साल के पहले 6 महीने में 69.6% बढ़कर $1,472 करोड़ रहा, जबकि चीन से भारत का आयात 60.4% बढ़कर $4,275 करोड़ रहा। यानी व्यापारिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। चीन अभी भी भारत से कम आयात कर रहा है जबकि भारत को चीन से ज्यादा आयात करना पड़ रहा है। कोरोना के समय में भारत ने चीन से इंपोर्ट बढ़ाया है, इसमें खास तौर पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, वेंटिलेटर, चिकित्सा सामग्री और दवाओं के निर्यात का योगदान रहा, जबकि चीन ने भारत से खास तौर पर लौह अयस्क, स्टील, एल्यूमिनियम और तांबे का आयात किया। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम एलओसी पर ले चलेंगे और वहां से सीज फायर के बाद पहली रिपोर्ट दिखाएंगे। मॉनसून का हिसाब किताब भी ब्रेक के उस पार आपका इंतजार कर रहा है। थोड़ा सा इंतजार रहिए खबरदार। आप देख रहे हैं खबरदार। अब हम आपको जम्मू कश्मीर में एलओसी की शांतिपूर्ण बॉर्डर रिपोर्ट दिखाएंगे। यह रिपोर्ट सीज फायर के 5 महीने बाद एलओसी के हालात की पहली रिपोर्ट है, जिसे तैयार करने के लिए आज तक की टीम ने पूंछ सेक्टर में एलओसी का सफर किया।
जहां 24 फरवरी को सीजफायर समझौते के बाद से अब तक एक भी गोली नहीं चली है। भारतीय सेना ही नहीं बल्कि एलओसी से सटे गांव वालों के लिए ये एक लाइफ टाइम अनुभव है और ये अनुभव उन्होंने आज तक के साथ शेयर किया है। यहाँ के लोगों ने पहली बार एलओसी पर रहने के बावजूद इतना सुकून महसूस किया है। एलओसी से बॉर्डर रिपोर्ट आपने कई बार देखी होंगी लेकिन अब आप जो बॉर्डर रिपोर्ट देखेंगे वो सबसे अलग है क्योंकि ये एलओसी पर फायरिंग फ्री यानी गोलीबारी से मुक्त बॉर्डर रिपोर्ट है। एलओसी पर सीज फायर के 100 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं और इस दौरान एलओसी पर गोलीबारी की आवाजें खामोश हो चुकी हैं। भारतीय सेना को वक्त मिला है आतंकवादी घुसपैठ को रोकने की अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का। आज तक की टीम जब एलओसी पर पहुंची तो भारतीय सैनिक आतंकी घुसपैठ रोधी मिशन की मॉक ड्रिल कर रहे थे क्योंकि एलओसी पर सीज फायर के बाद आतंकी घुसपैठ में कमी जरूर आई है लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। फरवरी से सीजफायर अग्रीमेंट भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है और तब से काफी हद तक शांति बनी रही है लाइन ऑफ कंट्रोल पर। ना पाकिस्तान की तरफ से ना भारत की तरफ से फायरिंग हुई है या शेलिंग हुई है। हालांकि जिस इलाके में हम हैं यहां पर बहुत ज्यादा शेलिंग और फायरिंग हुआ करती थी लेकिन भारतीय सेना के लिए इन्फिल्ट्रेशन को रोकना अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक चुनौती है। और इस वक्त जो हम देख रहे हैं वो एक काउंटर इन्फिल्ट्रेशन पेट्रोल पार्टी है जो कि एक ड्रिल कर रही है ये अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखने के लिए कि कैसे इन्फिल्ट्रेशन को रोका जाए। फरवरी में एलओसी पर सीजफायर के ऐलान के बाद एक भी गोली नहीं चली है लेकिन आगे भी नहीं चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान पर किसी को भरोसा नहीं। सीमा पर सीजफायर जरूर है लेकिन पाकिस्तान के दिमाग में अभी भी भारत से दुश्मनी के गोले फट रहे हैं। पाकिस्तानी सेना कश्मीर में आतंकियों को ड्रोन के जरिए हथियार सप्लाई कर रही है। पाकिस्तानी सेना ने एलओसी के पार आतंकी लॉन्च पैड्स पर आतंकियों का जमावड़ा लगा दिया है इसलिए कोई नहीं जानता कि पाकिस्तान की तरफ से कब कोई गोला आए और एक बार फिर एलओसी की शांति भंग हो। लिहाजा एलओसी पर भारतीय सेना की मुस्तैदी में कोई कमी नहीं है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक के बाद भारतीय सेना के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है किस तरह से ड्रोन्स का सामना किया जाए। यही कारण है कि भारतीय सेना अपनी क्षमता को बढ़ा रहा है ड्रोन्स से लड़ने के लिए क्योंकि इस तरह की इनपुट्स बार बार आने वाली हैं कि आगे आने वाले समय में जैसे जैसे सीजफायर रहेगा ड्रोन अटैक्स के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। पाकिस्तान कब तक सीजफायर मानेगा ये कहना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। लेकिन ये सीजफायर सीमा से सटे गांवों में रहने वाले लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। एलओसी पर रिपोर्टिंग के दौरान ऐसे ही एक गांव में आज तक की टीम पहुंची जहां के रहने वाले लोगों को याद भी नहीं है कि आखिरी बार इतना चैन और सुकून उन्होंने कब महसूस किया था। लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास लोगों की जिंदगी बेहद मुश्किल होती है। इनके घरों के आसपास इनके घरों पर सालों से गोले गिरते आए हैं जब भी शेलिंग हुई है। कुछ महीनों में एक राहत जरूर है जब से सीज फायर अग्रीमेंट है लेकिन अभी भी इनका भविष्य कैसा होने वाला है इनको कोई अंदाजा नहीं है। अभी तो चलो ठीक है, तो फिर ये जिस टाइम से जंगबंदी हुई है ठीक है, थोड़े आराम से बच्चे भी रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं माल में मेशी, लेकिन पहले जब जंगबंदी फैर होता था बहुत हमको तकलीफ थी, बच्चे डरते थे कोई उधर भागता है कोई उधर भागता है, गोला आ गया गोला आ गया। यहाँ जो लोग शहरों के बीच बातें करते हैं बैठकर तो उनको क्या पता है बॉर्डर की ज़िंदगी कैसी है। बॉर्डर के ऊपर फायरिंग के बीच एक दिन आए तो उनको पता चल जाए कि बॉर्डर किसको बोलते हैं, फौज कैसे कर रह रही है और सिविलन कैसे रह रहे हैं। एलओसी पर बसे गांवों का ये चैन ये सुकून कब तक रहेगा वो खुद नहीं जानते लेकिन ये उस तूफान के बाद की शांति है जो उन्होंने दो साल तक लगातार झेला है। 2003 में हुए सीजफायर समझौते के बाद 17 वर्षों के इतिहास में साल 2020 में एलओसी पर पाकिस्तानी सेना ने सबसे ज्यादा 4,700 बार सीजफायर तोड़ा जिसकी निशानियां एलओसी पर सटे गांवों में बने घरों की दीवारें दे रही हैं
और इन घरों में रहने वाले लोगों के दिलो दिमाग में वो यादें ताजा हैं। क्या दिक्कतें हैं लोगों की? शेलिंग यहाँ बहुत शेलिंग होती है सर, यहाँ पे है दिक्कत है सर, क्या करें? घरों पे आपके आके भी क्या शेल गिर जाते हैं? गिरते हैं सर, बिल्कुल गिरते हैं सर, यहाँ पे हमारे घरों के आसपास, घरों के ऊपर सर, यहाँ पे बहुत दिक्कतें आती हैं। उस टाइम हम फिर ये नहीं सोचते हैं कि हम मरेंगे या जिएंगे या कुछ भी, जिस टाइम शेलिंग शुरू होती है सर, यहाँ पे बहुत दिक्कतें आती है सर। सीज फायर बंकर वगैरह भी बने हुए हैं? सीज फायर बंकर सर बने हुए हैं, लेकिन कुछ बने सर, कुछ बने नहीं, तो अभी जो बने हुए सर उनमें पानी आ रहा सर, क्या करेंगे, इसलिए सर अपने अपने घरों में सर बैठे रहते हैं। 21 साल के शौकत मोहम्मद सेना में पोर्टर का काम करते थे, लेकिन अब नहीं कर पाते क्योंकि पाकिस्तानी सेना की बॉर्डर एक्शन टीम ने घात लगाकर उनकी टीम पर हमला किया। शौकत ने अपनी आंखों से पाकिस्तानी सेना का वो क्रूर चेहरा देखा है जिसमें उनके दो पोर्टर साथियों की निर्मम हत्या हुई। शौकत, आप पोर्टर का काम करते थे आर्मी के साथ, बताएंगे कि कैसे आपको चोट आई थी, आपके पैर में ये कैसे हुआ? हम फौज के साथ, भारतीय सेना के साथ काम करते थे। 10 जनवरी 2020 को हमारे साथ ये हमला हुआ। 10 पोर्टर हम सुबह 8 बजे यहाँ से काम पे निकले सामान उठा के, तो भारतीय जो बैट एक्शन वाले थे, ये पाकिस्तान के बैट एक्शन वाले थे, तो अपने ये बॉर्डर इलाका में बैठे हुए थे, जंगल में बैठे हुए थे, तो हमारे ऊपर जब उन्होंने हमला किया, दो बंदे शहीद कर दिए, गर्दन लेके एक की काट के, तो मेरी टांग में उसने गोली मार दिया। ये सब आपके सामने हुआ, गर्दन काटना और ये सब मेरे सामने हुआ। पाकिस्तानी सेना एलओसी पर किस हद तक गिर सकती है, ये इन लोगों के चेहरे देखकर ही पता चल जाता है जो पाकिस्तानी सेना की दरिंदगी का शिकार हुए हैं। पाकिस्तानी गोलीबारी में इनके बचने का एक ही सहारा होता है, ऐसे कम्युनिटी बंकर। हम इस वक्त एक बंकर के अंदर हैं जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के एक गांव पर बनाया गया है। इस तरह के बहुत सारे बंकर्स हाल ही में बनाए गए हैं, हालांकि यहां के लोगों का कहना है कि 10-15 नए ऐसे बंकर बने हैं, लेकिन और इस तरह के बंकर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि जब शेलिंग होती थी तो एक साथ बहुत से गोले इनके घरों पर पड़ते थे और इस तरह की शेलिंग हर रोज होती थी और इसके चलते यहाँ के लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल रहती है। इस तरह के जो बंकर हैं वो 50 से 60 लोगों को अंदर रख सकते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो और लोग भी इसमें आ सकते हैं। आखिरकार 5 दिन की देरी से ही सही, लेकिन मानसून ने पूरे देश को चारों तरफ से घेर लिया। मंगलवार को दिल्ली में मानसून की पहली बारिश हुई, जिसके बाद मौसम विभाग ने मानसून के दिल्ली आगमन की पुष्टि कर दी, लेकिन इसके साथ ही मानसून की तबाही का सालाना एल्बम और सिस्टम का भूस्खलन पूरा देश देख रहा है। इस बार मानसून दिल्ली में सबसे अंत में आया। मानसून 16 दिन की देरी से दिल्ली पहुंचा, ये पिछले 19 साल में दिल्ली में सबसे देरी से हुई मानसून की दस्तक है, लेकिन यह दस्तक कितनी जबरदस्त है इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। 5 जुलाई को मौसम विभाग ने 10 जुलाई तक दिल्ली में मानसून आ जाने का पूर्वानुमान लगाया था, जो गलत साबित हुआ। इसके बाद 13 जुलाई को अनुमान लगाया कि 15 जुलाई को मानसून दिल्ली में दस्तक दे देगा, लेकिन अनुमान से एक दिन पहले यानी 14 जुलाई को मानसून दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली एनसीआर में आज लगातार दूसरे दिन तेज बारिश हुई, इससे लंबे समय से गर्मी और उमस से परेशान लोग राहत में नजर आए, लेकिन तेज बारिश की मुसीबतों का वार्षिक एपिसोड भी शुरू हो गया। भारत में मानसून की अवधि 1 जून से 30 सितंबर तक मानी जाती है, जिसकी शुरुआत केरल से होती है। मौसम विभाग के 1 जून से 14 जुलाई तक के मानसून ट्रैकर के अनुसार देश में अब तक सामान्य से 5% कम बरसात रिकॉर्ड की गई है। रायलसीमा पुडुचेरी में इस बार अब तक सामान्य से 60% तक ज्यादा बारिश हो चुकी है। कर्नाटक, तेलंगाना, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और बिहार सहित 5 राज्यों में अब तक 20-59% ज्यादा बरसात दर्ज की गई है। 17 राज्यों में मानसून के दौरान सामान्य बरसात रिकॉर्ड की गई है, जिनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिम राजस्थान, असम, मेघालय और सिक्किम जैसे राज्य शामिल हैं। 12 राज्यों में सामान्य से कम बरसात दर्ज हुई, जिनमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत 12 राज्य हैं जहां 20-59% तक कम बरसात हुई।
इस वक्त पूरे देश में मॉनसून छाया हुआ है, जिसके भीषण असर की तस्वीरें आपने देखी। आने वाले दिनों में ऐसी और भी तस्वीरें देखने को मिलेंगी, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलग अलग राज्यों को चेतावनी भी जारी की। कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात, कर्नाटक के कुछ हिस्सों और असम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों और केरल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी मॉनसून अभी आया है और सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, पूरी पिक्चर अभी बाकी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, आप रहिए खबरदार। दक्षिण अफ्रीका में पिछले हफ्ते से जारी दंगे और लूटपाट की घटनाओं में भारतीय और भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी लोगों पर पड़े असर पर भारत ने चिंता जताई है। सूत्रों के अनुसार विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वहां के विदेश मंत्री डॉक्टर नालिदी पोंडोर से बात की है। पिछले हफ्ते पूर्व राष्ट्रपति जेकब जुमा को अदालत की अवमानना पर 15 महीनों के लिए जेल भेजा गया। इसी के बाद वहां माहौल बिगड़ा। हिंसा की घटनाओं में मरने वालों की संख्या 72 तक पहुंच गई है। हिंसा की घटनाएं दक्षिण अफ्रीका के कई शहरों में हुई हैं। डर्बन से आई तस्वीरों में वेयरहाउस और सुपरमार्केट्स में लूट, आगजनी की विभत्स वारदातें दर्ज हुई हैं। जेकब जुमा की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ उपद्रव असमानता और गरीबी को लेकर गुस्से में बदला है।